हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी आज के क्लास अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। इसके पहले क्लास में भी मैंने बताया था कि वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, उसे रीडिंग कैसे मेजर करते हैं। देखो क्या इंपॉर्टेंट है वर्नियर कैलिपर्स में, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो रीडिंग कैसे लिखेंगे, सब कुछ दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, केवल रीडिंग आपको क्या करना है, लिखना है। और लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट कई बार पूछा हुआ है, जैसे आपको मैंने न्यूमेरिकल्स भी इस पर बताया था, है ना। तो उसके बाद क्या है कि लिस्ट काउंट इन जनरल मैंने बताया था कि वर्नियर कैलिपर्स का कितना होता है, 0.1 मिलीमीटर होता है। आई मीन मिनिमम जो लेंथ ही मेजर कर सकता है वो क्या कर सकता है, 0.1 मिलीमीटर मेजर कर सकता है ना। मिनिमम लेंथ कितना मेजर कर सकता है, 0.1 मिलीमीटर मेजर कर सकता है। मीटर स्केल और मिलीमीटर स्केल कितना, उसका लिस्ट काउंट क्या था, 1 मिलीमीटर। आई मीन लिस्ट काउंट जो है वो कितना लेंथ को, मिनिमम लेंथ को मेजर कर सकता है, 1 मिलीमीटर, है ना। और सेंटीमीटर जो स्केल था, उस सेंटीमीटर स्केल जो है वो कितना, उसका लिस्ट काउंट कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। आई मीन मिनिमम जो होगा वो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर लेंथ को क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है, ठीक है। उसी तरह अब आज हम क्या पढ़ेंगे कि जनरली क्या हो कि वर्नियर कैलिपर्स जो होता है एरर से फ्री नहीं होता है, कभी होता भी है कभी नहीं भी होता है, वो सिचुएशन डिपेंडेंट होता है। अब एरर क्या होता है, मैंने बताया था कि वर्नियर कैलिपर्स का जब कंस्ट्रक्शन बताया था तो मैंने बताया था कि दो जॉ होते हैं, जॉज के बीच क्या, जॉ के बीच हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, जैसे ए बी मैंने बताया था वहां, है ना। तो जब क्या हो, कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो तो आइडियली क्या होना चाहिए, दोनों जो जॉ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कोइंसाइड हो जाना चाहिए। और जब या दोनों जॉ को जो आप क्लोज लाओगे तो वर्नियर स्केल का जो जीरो होगा और मेन स्केल का जो जीरो होगा वो दोनों क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए, है ना। आइडियली क्या होना चाहिए कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं हो और जॉ ए एंड बी हमने वहां बताया था, तो ए एंड बी को जब आप क्लोज लाओगे तो क्या होना चाहिए, जीरो ऑफ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर स्केल एंड जीरो ऑफ क्या होना चाहिए, मेन स्केल क्या होना चाहिए, कोइंसाइड होना चाहिए। लेकिन कभी ऐसा होता भी है और कभी ऐसा नहीं होता है। तो जब कोइंसाइड क्या होता है, हो जाता है, जीरो वर्नियर स्केल और मेन स्केल कोइंसाइड हो जाता है, मिल जाता है, तो हम बोलते हैं कि वर्नियर स्केल जो है उसमें कोई जीरो, सॉरी कोई एरर नहीं है, देयर इज नो एरर इन द वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है, कोई जीरो नहीं है। लेकिन जब क्या होगा कि जब भी क्या होगा कि जीरो ऑफ क्या होगा, मेन स्केल है ना एंड वर्नियर स्केल कोइंसाइड नहीं होगा, तो उसमें क्या होता है, कुछ एरर होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीरो एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो एरर बोलते हैं, है ना। तो हमने यहां बताया कि व्हेन जॉ ए एंड बी ऑफ वर्नियर स्केल्स आर ब्रॉट इन, नहीं वर्नियर कैलिपर्स, स्केल नहीं लिखना चाहिए यहां, कैलिपर्स लिखना, कैलिपर्स आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट, देन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ क्या होगा, मेन स्केल, दिस इज कॉल्ड जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। तो ये आपको जैसे देखो यहां हमने क्या है, यहां दिखाया है कि मेन स्केल है और ये क्या है, वर्नियर स्केल। मेन स्केल में जो 1 डिवीजन होता है वो कितना होता है, 1 मिलीमीटर के इक्वल होता है, आपको मालूम है, ये मैंने बताया है। वर्नियर कैलिपर्स में नंबर ऑफ डिवीजन कितने होते हैं, 10 होते हैं, और 1 डिवीजन जो होता है वो कितने, 0.1 मिलीमीटर के क्या होता है, इक्वल होता है, क्या होता है, 0.1 मिलीमीटर के इक्वल होता है, या 0.01 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, मेन स्केल है और ये क्या है, वर्नियर स्केल है। अभी देखोगे कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जो जीरो है, यहाँ क्या है, दोनों कोइंसाइड हो गया है, तो हम इसको बोल सकते हैं नो जीरो एरर, ठीक है, इसमें कोई जीरो एरर नहीं है, है ना, ठीक है। यहाँ देखो मैंने ये बताया है कि लिस्ट काउंट और ये वर्नियर स्केल है का रीडिंग कैसे लेते हैं, आपको मैंने पहले ही बताया था, तो आज भी लिख दिया हूँ, जो लोग शायद नहीं देखे होंगे तो फिर आज इसको देख लेंगे कि यहाँ मैंने क्या, लिस्ट काउंट क्या होता हो, रीडिंग ऑन क्या होगा, रीडिंग ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द क्या होगा, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइडेड विद द मेन स्केल, एन वही है यहाँ लिखा हुआ है। और रीडिंग हम कैसे मेजर करते हैं, एन क्या है नंबर, एन क्या है कैपिटल, एन क्या है रीडिंग,
of main scale before zero of vernier scale plus n क्या है nth division of vernier scale coincide with the main scale. केवल क्या देखना है कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन जो है मेन स्केल से कोइंसाइड हो रहा है, मिल रहा है, वही आपको कंसीडर करना है. इनटू लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट ऑफ इन जनरल वर्नियर स्केल का लीस्ट वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, 0.1 मिलीमीटर होता है. तो ऐसे हम क्या करते हैं, रीडिंग लेते हैं. तो ये समझ में आया कि जब क्या होगा, मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो कोइंसाइड हो जाएगा, मिल जाएगा, तो कोई जीरो कोई एरर नहीं होगा, देयर इज नो जीरो एरर, है ना. लेकिन यहां क्या होगा कि जब क्या होगा कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जब जीरो जो होगा कोइंसाइड नहीं होगा, तो हम क्या बोलते हैं कि नहीं, देयर इज एन एरर इन वर्नियर कैलिपर्स. ठीक है, तो देखो यहां ये फिगर एक वन ड्रॉ किया हूं, समझ में आया ना. यहां जीरो ऑफ क्या है, जीरो ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद द क्या होगा, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल. ठीक है, इसको हम एम से भी लिखते हैं, कैपिटल एम, और इसको कैपिटल भी. दूसरा आप जब देखोगे यहां हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया है, दिस इज नथिंग बट द क्या है, मेन स्केल. इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज मेन स्केल, है ना. अगेन यहां हमने क्या किया, जीरो 0, 1, 2, 3, 4, 5 को थोड़ा 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 A1, 0, 1. अब यहां देखो, यहां मैंने क्या किया कि यहां दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, वर्नियर स्केल. यहां वर्नियर स्केल का जीरो इधर मैंने दिखा है, ये जीरो इधर हो गया, 0, 1 है ना, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 थोड़ा सा बड़ा दिखा, 1, 2, 3 है ना, 3, 4, 5 ठीक है, ये 0.5 हो जाएगा, है ना. तो यहां देखो, यहां क्या है, जीरो ऑफ मेन स्केल जो है क्या है, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल और मेन स्केल क्या है, कोइंसाइड नहीं हो रहा है, है ना. जीरो ऑफ यहां क्या हो रहा है, जीरो ऑफ मेन स्केल, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल स्केल डज नॉट कोइंसाइड विथ जीरो ऑफ मेन स्केल, जीरो ऑफ मेन स्केल, है ना. तो इस केस में क्या होता है, वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा जो रीडिंग होता है वो ट्रू रीडिंग होता है. आई मीन हम यहां बोल सकते हैं, एक चीज ध्यान रखना है कि इस केस में क्या होगा, ऑब्जर्व रीडिंग इज इक्वल टू क्या होगा, ट्रू रीडिंग. I mean, इस सिचुएशन में यदि जीरो ऑफ वर्नियर स्केल एंड जीरो ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड हो जाएगा, मिल जाएगा, तो उस सिचुएशन में वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा जो रीडिंग हम मेजर करते हैं वो क्या होता है, एक्यूरेट रीडिंग होता है, कोई एरर नहीं होता है. रीडिंग जो होता है वो एरर से क्या होता है, फ्री होता है. लेकिन जब क्या होगा, जीरो ऑफ मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल कोइंसाइड नहीं होता है, है ना, जब जाओ को हम क्या करेंगे, क्लोज लाएंगे और कोइंसाइड नहीं होगा, तो क्या होता है कि जो ऑब्जर्व रीडिंग जो होता है वो ट्रू रीडिंग के इक्वल नहीं होता है. तो हम यहां क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ हेंस क्या लिखेंगे, हेंस देयर इज जीरो एरर, क्या होगा, हेंस देयर इज ए जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर. ठीक है, तो यहां क्या होगा, यहां जो ऑब्जर्व रीडिंग
जो होगा वो क्या होगा, नट इक्वल टू क्या होगा, ट्रू रीडिंग। आई मीन यहां जो रीडिंग वर्नियर कैलिपर्स मेजर करेगा इस सिचुएशन में, उस समय क्या होगा, जो रीडिंग जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट नहीं होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ जीरो करेक्शन करते हैं। हम क्या करते हैं, जीरो करेक्शन करते हैं। तो पहले हम जीरो एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखेंगे। तो जनरली क्या होता है कि अब देखो दो सिचुएशन हो सकता है। एक तो हो सकता है कि जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज राइट ऑफ क्या होगा, जीरो ऑफ क्या होगा, मेन स्केल। एक ये भी सिचुएशन, अरे जब ये जीरो मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जीरो कोइंसाइड नहीं करेगा तो दो सिचुएशन हो सकते हैं, दो केसेस हो सकते हैं यार यहाँ। एक तो केस क्या हो सकता है कि जीरो ऑफ मेन स्केल जो होगा वो क्या होगा, आई मीन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल क्या होगा, मेन स्केल से क्या होगा, लेफ्ट हो सकता है, और क्या हो सकता है, राइट हो सकता है। तो उसके बेसिस को, जीरो एरर को दो पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है ना, ऑन द बेसिस ऑफ वेदर द जीरो ऑफ मेन स्केल रीडिंग, सॉरी जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज लेफ्ट और राइट ऑफ क्या होगा, जीरो ऑफ मेन स्केल। जीरो एरर हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। कितने टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, दो टाइप्स में। किस बेसिस पे, कि जीरो ऑफ वर्नियर स्केल मेन स्केल के लेफ्ट है या राइट है, उसके बेसिस पे जीरो एरर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दो टाइप्स में डिवाइड किया गया। एक को बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर और दूसरे को क्या बोलते हैं हम, निगेटिव जीरो एरर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, जीरो एरर जो होता है क्या होता है, ये समझ में आया कि दो बेसिस क्या है, कि मेन वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट है या राइट है, उसके बेसिस पे जीरो एरर को क्या है, दो टाइप में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि जब जीरो एरर नहीं होगा तो रीडिंग ऑफ क्या होगा, ऑब्जर्व रीडिंग ट्रू रीडिंग के क्या होगा, इक्वल होगा। जब क्या होगा, जीरो एरर होगा तो ऑब्जर्व रीडिंग नॉट इक्वल टू क्या होगा, ट्रू रीडिंग। तो ट्रू रीडिंग अब क्या होगा, जो ऑब्जर्व रीडिंग होगा वो क्या होगा, ट्रू रीडिंग से ज्यादा हो सकता है और क्या हो सकता है, कम हो सकता है। क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है और क्या हो सकता है, कम हो सकता है। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे कि टाइप्स ऑफ जीरो एरर। तो कितने टाइप्स के जीरो एरर होंगे, दो तरह के जीरो एरर होंगे, है ना। तो यहां हम देखेंगे क्या टाइप्स ऑफ, आई मीन यहां जीरो एरर्स, है ना। तो जीरो एरर जो होता है वो क्या होता है, दो टाइप्स का होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है, और इसको हम निगेटिव निगेटिव जीरो एरर, ठीक है। क्या होगा, पॉजिटिव जीरो एरर एंड क्या होगा, निगेटिव जीरो। अब पॉजिटिव जीरो एरर में क्या होगा, इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं क्या, कि पॉजिटिव जीरो एरर में क्या होता है ना। तो देखो यहां पॉजिटिव जीरो एरर, यहां लिखेंगे है ना, इफ क्या लिखेंगे, इफ देखो इसमें क्या होगा कि जैसे यहां मैं बता देता हूं आपको डायग्राम के साथ, कि देखो यहां या पहले टेप इसमें क्या होगा कि वर्नियर स्केल का जो जीरो है, वर्नियर स्केल का जो जीरो होगा मेन स्केल के जीरो से क्या होगा, राइट रहेगा। क्या होगा, राइट रहेगा। तो हम लिख सकते हैं इफ, क्या लिखेंगे, इफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल इज राइट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल, देन एरर इज कॉल्ड पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, ये समझ में आया क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव जीरो एरर बोलते हैं। कब, जब पॉजिटिव जीरो एरर में क्या होगा कि वर्नियर स्केल का जो जीरो होगा वो क्या होगा, मेन स्केल के जीरो से क्या होगा, राइट होगा। ठीक है,
जैसे देखो यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, मैं है ना, यही क्या है मेन स्केल है, और यहाँ देखो ये क्या है मेन स्केल पे रीडिंग मैं दिखाता हूँ 1 0 है ना, ये 0 1 2 3 4 5 फिर 1 2 3 4 5 चलो ये 1 दिखा दिया है ना, ये क्या हुआ मेन स्केल हो गया। इसको एम भी हम लिखते हैं, एम स्टैंड फॉर मेन स्केल है ना। अब वर्नियर स्केल का देखो, वर्नियर स्केल का क्या होगा, वर्नियर स्केल मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, दिस इज नथिंग बट द वर्नियर स्केल, ठीक है। अब यहाँ जो इसका वर्नियर स्केल का 0 है, ये दिस इज 0, दिस इज 1 है ना, दिस इज 2 ठीक है, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 है ना, 6 7 8 9 और ये क्या हो गया। अब यहाँ क्या है देखो ध्यान से, यही क्या है इसमें याद रखना है, क्या होगा 10 डिवीजन होगा, 1 डिवीजन जो होता है वर्नियर स्केल में क्या होता है 0.1 मिलीमीटर के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये दिस इज नथिंग बट द क्या होगा वर्नियर स्केल, इसमें देखो क्या है 0 ऑफ वर्नियर स्केल, 0 ऑफ मेन स्केल के क्या है राइट है क्या, राइट है क्या, तो यहां क्या होगा पॉजिटिव, क्या होगा पॉजिटिव 0 एरर, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान देना है कि पॉजिटिव 0 एरर में क्या होता है, मेजर लेंथ जो होता है वो ट्रू लेंथ से क्या होता है ज्यादा होता है, तो यहां ये चीज भी ध्यान देना है कि इन दिस आई मीन इन क्या होगा, इन पॉजिटिव एरर क्या होगा, इन पॉजिटिव 0 एरर ऑब्जर्व लेंथ है ना, या मेजर्ड लेंथ, मेजर्ड और ऑब्जर्व लेंथ इज क्या होता है इज ग्रेटर देन, क्या होता है इज ग्रेटर देन इन पॉजिटिव 0 एरर मेजर्ड और ऑब्जर्व लेंथ इज ग्रेटर देन, क्या होता है ट्रू लेंथ, समझ में आया ना क्या होगा, आई मीन आर ऑब्जर्व यदि हम लिख दें कि लेंथ या एल लिखो, लेंथ या कुछ भी आर रीडिंग ऑब्जर्व, आर स्टैंड फॉर रीडिंग, ऑब्जर्व रीडिंग इज क्या होगा ग्रेटर देन क्या होता है ट्रू रीडिंग, क्या होता है ऑब्जर्व रीडिंग जो होता है वो ट्रू रीडिंग से क्या होता है ज्यादा होता है, किसमें पॉजिटिव एरर में। पॉजिटिव एरर हम कैसे पहचानेंगे, यदि मेन वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से क्या हो राइट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे पॉजिटिव एरर बोलेंगे। तो पॉजिटिव एरर में क्या होता है कि जो ऑब्जर्व रीडिंग जो होता है या मेजर रीडिंग जो होता है वो ट्रू रीडिंग से क्या होता है बड़ा होता है, इसका मतलब क्या है ट्रू रीडिंग इक्वल टू क्या होगा, ट्रू रीडिंग इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा ट्रू रीडिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ऑब्जर्व रीडिंग माइनस क्या होगा करेक्शन, जितना हम करेक्शन करते हैं है ना। तो अब हम ये होता है कि पॉजिटिव 0 एरर लिखते कैसे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो पहले हम क्या लिखेंगे, अब पॉजिटिव 0 एरर हम लिखेंगे कैसे, तो देखो पॉजिटिव 0 एरर इज इक्वल टू क्या होता है पॉजिटिव 0 एरर इक्वल टू एन इंटू क्या होगा लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट और इसको हम क्या बोलेंगे एन इंटू वीसी वर्नियर कांस्टेंट, ठीक है वर्नियर कांस्टेंट। एन क्या है अगेन देखना है, यहां एन
डिवीजन, nth डिवीजन ऑफ क्या होगा, ऑफ nth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ क्या होगा, मेन स्केल। आई मीन हमेशा आपको क्या देखना है कि मेन स्केल से वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है। और दिस इज आपको मालूम है कि एल क्या होता है, दिस इज नथिंग बट द क्या होता है, लीस्ट काउंट। ये आपको मालूम है, इसको लीस्ट काउंट और क्या होगा, वर्नियर कॉस्ट। ठीक है, यहां आप देखोगे ध्यान से, है ना, तो देखो यहां ये क्या होगा, ये 0 1 2, तो देखो यहां 2 जो है क्या है, 2 जो है वो क्या है, आई मीन 2 डिवीजन, सेकंड डिवीजन ऑफ क्या होगा, वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडेड विद मेन स्केल। सेकंड डिवीजन जो है वर्नियर स्केल का वो किसे कोइंसाइड हो गया, मिल गया है, मेन स्केल से कोइंसाइड हो गया। देखो इधर ध्यान से, तो यहां से हम लिख सकते हैं, बाद में हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहां जो पॉजिटिव इस केस में, तो देखो यहां इस फिगर में क्या होगा, पॉजिटिव एरर कितना होगा इस फिगर में, पॉजिटिव एरर इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहां एन कितना है, देखो ये 0 हुआ, 1 और 2, कौन सा डिवीजन कौन साइड है, सेकंड डिवीजन कौन साइड है, तो एन इक्वल टू हम क्या लिखेंगे यहां, 2 इनटू लिस्ट काउंट कितना होता है वर्नियर कैलिपर्स का, 0.1, तो क्या लिखेंगे, 0.1 मिलीमीटर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इनटू 0.01 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 0.02 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इस केस में, इस केस में मैंने बताया, ऑलवेज क्या याद रखना है, ये याद रखना है, ठीक है, पॉजिटिव है। अब क्या होता है कि जीरो करेक्शन होता है ना, तो याद रखना है कि पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव एरर प्लस, सॉरी, पॉजिटिव जीरो एरर, एरर प्लस पॉजिटिव जीरो करेक्शन जीरो करेक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो, ये माइंड में रखना। ठीक है, इन दोनों का सम जो होगा वो ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है। इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव जीरो करेक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, निगेटिव ऑफ क्या होगा, निगेटिव ऑफ पॉजिटिव जीरो एरर, यही होगा ना, क्या होगा, निगेटिव ऑफ क्या होगा, पॉजिटिव जीरो एरर, क्या होगा, नेगेटिव ऑफ पॉजिटिव जीरो एरर। तो हम यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हेंस, क्या लिख सकते हैं, हेंस पॉजिटिव जीरो करेक्शन, क्या लिखेंगे, पॉजिटिव जीरो एरर करेक्शन इज इक्वल टू माइनस, क्या लिखेंगे, माइनस, आई मीन पॉजिटिव जीरो एरर। तो यहां से लिख सकते हैं, देखो माइनस एन इंटू क्या होगा, लिस्ट काउंट। देखो ये पूछा जाएगा तुमसे एग्जाम में, है ना, ठीक है। अब रीडिंग क्या लिखेंगे, देखो टू रीडिंग इज इक्वल टू क्या होगा, टू रीडिंग आर टी, आई मीन इसको टू रीडिंग इज इक्वल टू क्या होगा, ऑब्जर्व रीडिंग प्लस पॉजिटिव जीरो एरर। हम क्या लिख देंगे आप, प्लस, है ना, लिखेंगे पॉजिटिव जीरो एरर करेक्शन, पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव जीरो एरर करेक्शन, और तो यहां लिख सकते हैं आर टी इज इक्वल टू क्या होगा, ऑब्जर्व रीडिंग माइनस एन इंटू क्या होगा, एलसी। ठीक है, और ऐसे हम क्या करेंगे, एलसी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, सॉरी एलसी नहीं, क्या, रीडिंग, आई मीन एरर कैसे कैलकुलेट। ठीक है, तो क्या हुआ, दिस इज ट्रू रीडिंग एंड दिस इज ऑब्जर्व रीडिंग एंड दिस इज क्या होगा, सिंपल है, माइनस, आप इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, निगेटिव पॉजिटिव जीरो एरर।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है, देखो ये तो ट्रू रीडिंग तुमको ऑब्जर्व रीडिंग देख करके मालूम कर लोगे, यदि ऐसे दिया होगा तो हम क्या करें, एन क्या है, एन हमेशा याद रखना है, एन क्या है कि nth डिवीजन ऑफ मेन वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद मेन स्केल, एन क्या है, nth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद मेन स्केल, बस यही आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जो टाइप ऑफ एरर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव जीरो एरर बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, निगेटिव जीरो एरर, ठीक है। तो निगेटिव जीरो एरर में क्या होगा, देखो निगेटिव जीरो एरर इसमें क्या होगा, इफ यहां लिखेंगे इफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज, क्या होगा, इज लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल देन जीरो एरर, देन एरर इज कॉल्ड निगेटिव, निगेटिव जीरो एरर, ठीक है। इसमें क्या होगा, अब देखो यहां क्या है, अगेन ये मेन स्केल है, क्या है मेन स्केल, मेन स्केल है ना, यहां हमने पहले इस डिवीजन बता दो, तो जीरो वन टू थ्री है ना, थोड़ा सा इधर दिखाता हूं, यहां लिखता हूं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, ऐसे ही रन जीरो है ना, ये वन हुआ, ठीक है। ये अब यहां देखो ये क्या है, वर्नियर स्केल है, तो यहां जो जीरो आया ये जीरो है ना, वन ठीक है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ठीक है, ये वर्नियर स्केल ऐसे जस्ट ये दिया रहेगा, सब डायग्राम में दिया रहेगा तुमसे है ना, तुमको ये कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, वर्नियर स्केल ये मेन स्केल हुआ और ये वर्नियर स्केल हुआ। यहां देखो यहां क्या है, जीरो किधर है, वर्नियर स्केल का जो जीरो है मेन स्केल के जीरो से क्या है, लेफ्ट है, क्या लेफ्ट है, देखो इधर है क्या, तो इसको हम यहां क्या बोलेंगे, निगेटिव जीरो एरर, क्या बोलेंगे इसको, निगेटिव जीरो एरर, ठीक है। अब निगेटिव जीरो एरर में क्या होता है कि एक्चुअल लेंथ जो होता है वो क्या होता है, आई मीन रीडिंग या मेजर लेंथ जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअल लेंथ से क्या मिलता है अपने को, छोटा मिलता है, ठीक है। तो यहां एक पॉइंट और लिखना है कि इन क्या होगा, इन इन केस ऑफ क्या होगा, इन केस ऑफ निगेटिव जीरो एरर, जीरो एरर ऑब्जर्व रीडिंग Observed reading is smaller than observed reading is in case of क्या होगा, negative zero error observed reading is smaller या lesser than क्या होगा, true reading, तो यहां हम लिख सकते हैं आर ओ ठीक है, इज लेस देन क्या होता है आर ट्रू, आर स्टैंड फॉर रीडिंग, ओ स्टैंड फॉर ऑब्जर्व, ठीक है, ये ध्यान देना है।
अब जीरो अगेन क्या करेंगे, जीरो नेगेटिव जीरो एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो यहां लिखेंगे नेगेटिव, आई मीन नेगेटिव जीरो एरर इज इक्वल टू क्या होता है माइनस, ठीक है, अगेन क्या लिखेंगे एन इंटू एल सी, एन अगेन क्या है nth डिवीजन, nth डिवीजन ऑफ क्या होगा वर्नियर, वर्नियर स्केल क्विंसाइड विथ विथ मेन स्केल, ठीक है, और l क्या है लीस्ट काउंट, क्या है लिस्ट काउंट है। तो केवल आपको क्या करना है, देखो कुछ हमेशा एक ही चीज ध्यान, वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा रीडिंग लेने वक्त एक ही चीज ध्यान में रखना है, क्या देखना है कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल से क्या हो रहा है, कौन साइड हो रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर देखो यहां हम एरर भी कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें भी क्या है ये यार लिस्ट काउंट तो आपको मालूम ही है कि वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट क्या होता है 0.1 मिलीमीटर होता है, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, निगेटिव जीरो एरर करेक्शन है ना, तो क्या लिखेंगे निगेटिव एरर, निगेटिव अगेन क्या लिखेंगे निगेटिव जीरो एरर करेक्शन इज इक्वल टू क्या होगा माइनस ऑफ, अभी इसके पहले बताया था निगेटिव निगेटिव जीरो एरर, ठीक है, और यहां माइनस ऑफ माइनस लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो माइनस एन इंटू क्या होगा एल सी, और ये क्या हो जाएगा प्लस एन इंटू क्या होगा एल सी, तब रीडिंग आई मीन ट्रू रीडिंग जो होगा आर टी इज इक्वल टू क्या होगा ऑब्जर्व रीडिंग प्लस क्या होगा एन इंटू क्या होगा एल सी, ठीक है, दिस इज नथिंग बट द क्या हुआ ट्रू ट्रू रीडिंग, दिस इज ऑब्जर्व रीडिंग, एंड दिस इज क्या होगा ये बताया हूं, ठीक है, लिस्ट काउंट इधर लिख दिया हूं। तो ऐसे हम क्या करते हैं जीरो एरर क्या करते हैं, हम पॉजिटिव जीरो एरर नेगेटिव जीरो एरर और रीडिंग हम क्या करते हैं मेजर करते हैं, ठीक है। तो आप इस पे क्या करना प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे स्क्रू गेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इसके आगे वाले क्लास में, आई मीन इसके नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही, ओके, थैंक यू।